गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एक बार फिर से हाजिर है और हम लोग जो संविधान के भाग पाँच है उसमें लगे हुए हैं तो आज हम लोग कहाँ क्या, क्या देखेंगे तो संसद के सत्र सत्रह अवसान और लोकसभा का विघटन सत्रह अवसान मतलब क्या सत्र मतलब क्या कि जो हम लोग जानते हैं कि मानसून सत्र शीतकालीन सत्र और एक और होता है बताइएगा क्या होगा तीसरा तो उसके बाद जो सत्र चलता है क्या लिखा हुआ कि संविधान संसद में साल भर में कम से कम वो दो सत्र आवश्यक हैं और दोनों के बीच में छः माह का डिस्टेंस न हो लेकिन प्रायः तीन सत्र होते हैं और सत्रावसान किया जैसे एक साथ चल गया दूसरा चलने वाला है उसके बीच के समय को सत्रावसान कहते हैं और लोकसभा का विघटन यानी जब सब, लोकसभा का कार्यकाल पुर जाए यदि या सरकार ने अपना बहुमत खो दिया हो और कोई अन्य पार्टी अपना बहुमत साबित करने के स्थिति में न हो तो अब क्या होगा तो लोकसभा का विघटन कर दिया जाएगा और पुनः चुनाव होगा तो आगे देखिए अनुच्छेद पचासी एक में राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन यानी मीटिंग के लिए बुलाएंगे जिसे वह उचित समझे कौन तो राष्ट्रपति जी कहाँ तो लिखा तो आर्टिकल पचासी एक में लिखा गया है और संसद के दो सत्र सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में छः महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए और वर्ष में न्यूनतम दो बार संसद सत्र आवश्यक होना चाहिए अब संसद है तो इसका सत्र देख लीजिए तो ये तीन होगा हमने पहले ही पूछा था तो पहला बजट सत्र दूसरा मानसून सत्र तीसरा शीतकालीन सत्र तो बजट सत्र ये फरवरी वाला है फरवरी टू का मही मान लेंगे मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सित सत्र नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होता है और एक लेम डक सत्र आता है क्या लेम डक सत्र मतलब नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना मतलब नई लोकसभा के चुनाव हो चुका है के बाद पुरानी लोकसभा अब अंतिम सत्र के लिए बैठेगी इस बैठक में जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं उन्हें ही लेमडक कहा जाता है कि अब वो लोग तो विदाई ले लिए भाई हार गए आगे असगन प्रस्ताव असगन ये एडिजर देखिए असगन का अर्थ है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना स्थगन का प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव आदि पर नहीं पड़ता है किसका तो स्थगन का प्रस्ताव जब संसद में बहुत जबरदस्त हो हंगामा हल्ला शुरू हो जाता है तो लोकसभा स्पीकर बोलते क्या कहेंगे कि अभी सत्र को इतने समय के लिए इतना सीतना के लिए स्थगित किया जाता है <स्थाथ> कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सदन का पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित तो करें किंतु सदन के पुनः एकत्रित होने के संबंध में कोई घोषणा न करें यानी कह देंगे कि अनिश्चित काल के लिए इसको अस्थगित किया जाता है इस प्रकार के स्थगन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाई स्थगन कहते हैं साइन डाइन ये फ्रांसीसी शब्द है अवसान देखिए अवसान का अर्थ है संसद के किसी सत्र का समापन होना सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है कि अब सत्रावसान हो चुका है बिकटन नाम से ही है और से बिक्टन मतलब क्या हो जानते ही है बिकटन सत्रावसान से अलग होता है सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है जबकि बिकटन सदन को ही समाप्त कर देता है और आपको पता, पता होना चाहिए कि राज्यसभा का विटरण नहीं होता है सिर्फ लोकसभा का विटरण होगा अरे बिक्टन होगा तो छः महीने के अंदर में चुनाव कराया जाएगा विघटन पर विधेयकों का प्रभाव ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बार बार आता है लोकसभा में विघटन होने पर क्या होगा देखिए लोकसभा विकटित हो गया तो जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं वे सभी व्यापत अर्थात समाप्त हो जाते हैं चाहे उनकी शुरुआत लोकसभा में हुई हो या वे राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में पहुंचे हो यानी लोकसभा में जितना मैटर है जितने प्रस्ताव हैं वो सब के सब लैप्स कर जाएंगे जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित हैं वे भी लोकसभा की विघटन होने पर लैप्स कर जाएंगे जो विधेयक राज्यसभा से शुरू हुआ है और राज्यसभा में ही लंबित हैं तथा लोकसभा में पारित नहीं हुआ है वे विघटित नहीं होंगे क्यों भाई क्योंकि राज्यसभा तो अस्थाई है यदि कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेज दिया गया है तो वह लोकसभा के विघटन पर समाप्त न होगा जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया था किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था अब वो क्या होगा वह भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त न होगा यदि यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए राष्ट्रपति ने उसके संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की आशय की सूचना दे दी हो तो वह विधेयक भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा क्यों भाई क्योंकि जब नई सरकार आएगी तो फिर बैठक करेगी नो टेंशन अब संसद जब है या कामकाज काज कैसे चलता है तो जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है तब उसका प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाएगा अब जो एक अधिवेशन होगा एक कार्य दिवस उसको कई भागों में बांटा गया है पहला प्रश्न काल यानी संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा अर्थात से बारह बजे तक का समय वो क्या वो प्रश्न काल कहलाया का जाता है क्या काल इस समय मंत्री विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं कौन तो मंत्री महोदय देंगे किस में तो प्रवासन काल की बात हो रही है क्लियर है आगे बढ़ते हैं दूसरा है काल तो प्रवासन काल के बाद यानी काल प्रवासन काल के तुरंत बाद अर्थात बारह बजे शुरू होता है इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं मतलब क्या समझे कि प्रश्नकाल वो फिक्स मैच है भाई पहले से ही मंत्री जी को लिखकर मिल गया है कि आपसे यह आप पूछा जाएगा बता दीजिएगा लेकिन शून्यकाल वो फ्री है उसमें कुछ नहीं होगा नो नहीं कोई नो बॉल नहीं कोई वाइड नहीं आप जैसा मन करो वैसा फेंको तब फ्री हो भाई तो शून्यकाल की चर्चा संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है वस्तुतः यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक है एक नवाचार है नई तकनीक है और शून्यकाल क्या है तो शून्यकाल का नाम यह कहीं संविधान में भी नहीं लिखा है यह मीडिया के द्वारा जेनरेट किया गया है और देखिए जब प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में कई तरह के होते हैं देखिए एक तारांकित प्रश्न यानी स्टार्टेड यानी उस पर स्टार मार्क होगा एक अतारांकित यानी उस पर स्टार नहीं होगा और एक अल्प सूचना यानी तत्काल सूचना चाहिए उनको एकदम नहीं चाहिए जैसे देखिए तारांकित यानी स्टार्टेड क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाएगा मुख से बोल देंगे एवं इन प्रश्नों को अनुपूरक प्रश्न की प्रश्न पूछे जाने की भी उन अनुमति होगी यानी जो स्टार्टेड क्वेश्चन है अब मंत्री जी बताएंगे कि दिल्ली में एक हज़ार रुपया खर्चा हो गया तो पूछेगा भाई आपको दिल्ली आने में क्या कैसे खर्चा हो गया ट्रेन का टिकट तो पाँच सौ रुपये का था तो बाकी पाँच सौ क्या किए तो फिर मंत्री जी कहेंगे अरे भाई आएंगे तो खाएंगे ना भूखे रहेंगे वही तो बड़ी बात है और अतारांकित प्रश्न यानी अनस्टार्टेड क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री जी द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है अब लिखित रूप में देंगे तो इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलेगा अब मंत्री जी दोबारा बार बार के थोड़े उत्तर देंगे गए कहेगा चलो तो आपका उत्तर इस बार पास ही क्रॉस नहीं किया क्वालिफाइ नहीं किए इसलिए आप फिर से उत्तर लिखे तो हम संतुष्ट नहीं हुए और अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालिक विषय से होता है और इसका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं अल्प सूचना प्रश्न गैर सरकारी सदस्य से नहीं पूछा जाता है यानी गैर सरकारी सदस्य मतलब क्या जो ये पूछा गया किसी मंत्री जी से अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर काल के तुरंत बाद दिया जाता है अब आब... संसद में हम लोग बार बार सुनते हैं प्रस्ताव यानी मोशन लाओ और संकल्प यानी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा तो देखिए संसद की कार्यवाही विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलाई जाती है संसद में किसी भी कार्य से संबंधित कार्यवाही को प्रस्ताव के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है पहले वो प्रस्ताव के रूप में ही आएगा संकल्प प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता है वह प्रस्ताव का ही एक है। प्रकार है जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है पराय उसे ही संकल्प कहा जाता है याद कर लीजिए इतना ही संकल्प में सामान्यतः किसी मत दृष्टिकोण राय या उद्देश्य की प्रस्तुति होती है और यह उस उद्देश्य के प्रति संसद की सहमति व्यक्त करता है यानी उसमें संसद को क्या है इस प्रस्ताव के पक्ष में अगर संसद ने पास कर दिया यानी संसद ने मेजोरिटी दिखा दी मतलब वह प्रस्ताव संकल्प हो गया रेजोल्यूशन हो गया अब विश्वास मत अविश्वास मत और, और निंदा प्रस्ताव देखिए विश्वास मत कौन लाएगा जो पार्टी सरकार बनेगी सरकार में आएगी वही ना निंदा विश्वास प्रस्ताव लाएगी यानी कि अरे हमारे पास बहुमत है हम बनाएंगे सरकार तो ठीक है तो राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल क्या करेंगे राष्ट्रपति जी लोकसभा में प्रधानमंत्री बना दिए अब वो कहेंगे भाई अब जब तो तुमको हमारे पास विश्वास है तो विश्वास मत लाओ अपना बहुमत साबित करो तो वह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है इसके पारित होने का आशय होता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन हासिल है अब वहीं अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा अब इसमें क्या होगा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था और उन सरकार उनकी गिर गई थी मोदी जी के खिलाफ भी कितना बार अविश्वास प्रस्ताव आया लेकिन वो न गिर पाए क्योंकि उनके पास बहुत मेच्योरिटी परिस यह प्रस्ताव किसी विपक्षी सदस्य द्वारा पचास सदस्यों के अनुसमर्थन द्वारा सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है इस प्रस्ताव के लिए कोई विशेष आधार का होना आवश्यक नहीं है लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार गिर जाती है अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम क्या तो एक में है क्लियर है आगे बढ़ते हैं निंदा प्रस्ताव तो निंदा प्रस्ताव में क्या है वही जो नेता लोग कुछ गड़बड़ सड़बड़ बोलते रहते हैं तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है तो निंदा प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा यह निंदा प्रस्ताव कहाँ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ यह भी लोकसभा में आएगा और विपक्ष ही लाएगा कि किसी सदस्य द्वारा सरकार के किसी मंत्री या, या मंत्री समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उसके कुछ कार्यों या नीतियों के प्रति असहमति प्रदर्शित करने के लिए लाया जाता है कि हम आपसे सहमत न हैं यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तब क्या होगा अब मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना तो जरूरी नहीं है किंतु उस पर यह दबाव आ जाता है कि वह अब जल्दी से जल्दी विश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य माध्यम से लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दे क्लियर है और विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी प्रिविलेज मोशन क्या है यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या मंत्रियों ने गलत तथ्य देकर संसद सदस्यों के अधिकार का उल्लंघन कर दिया है यानी उन्होंने संसद को गुमराह किया है संसद में गलत वक्तव्य दिया है झूठ बोला है तब क्या लाया जाएगा उनके खिलाफ़ अधिकार प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी कॉलिंग अटेंशन मोशन मतलब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से संसद का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का है मंत्री या तो उस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण देने के लिए समय की मांग कर सकता है और आगे देखिए असगन प्रस्ताव नाम ही है असगन यानी एडजमेंट मोशन इस प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को अब स्थगित कर दीजिए और स्पेशल बात की जैसे कि दिल्ली दंगा और 50 सदस्यों के समर्थन के साथ तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से इन दोनों सदनों में इसे पेश किया जा सकता है तथा पक्ष या विपक्ष का कोई भी सदस्य इसे ला सकता है कौन तो स्थगन प्रस्ताव और आगे देखिए धन्यवाद प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ थैंक्स ये सबसे लास्ट में आता है लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में तथा वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण देंगे यानी भाषण देते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण उस उसका व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं होता है लेकिन ये क्या होगा तो मंत्रिपरिषद जी मंत्रिपरिषद जो होगा वह लिख कर देगा राष्ट्रपति जी को आपको यह बोलना है उसमें क्या बताया है उसमें सरकार के कार्य निष्पादन तथा भावी योजनाओं का जिक्र होता है राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है तथा मतदान होता है यह चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में ही होती है इस प्रस्ताव को पारित होना सरकार के अस्तित्व की शर्त है क्योंगी इसके पारित न होने का तात्पर्य है सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है सरकार अल्पमत में है अब क्या होगा तो सरकार को उसी समय पत्र दे देना होगा आगे देखिए समापन प्रस्ताव यानी क्लोजर मोशन क्लोजर मोशन को हिंदी में समापन प्रस्ताव यानी संवरण प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव कहने का प्रचलन है इसके लिए ज़्यादा सटीक अनुवाद है, समापन प्रस्ताव है इस प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोकना होता है यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा को बीच में ही रोककर संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है और अनियत दिन वाले प्रस्ताव नॉन मोशन यानी इसमें क्या होगा ये वे प्रस्ताव हैं जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किए जा गए हैं पर अभी चर्चा के लिए इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं यानी जब समय मिलेगा तो हो जाएगा और औचित्य प्रश्न यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर यदि किसी सदन कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों संविधान में निर्दिष्ट नियमों या सदन के कार्यवाही संबंधी नियमों का पालन नहीं करता है तो कोई सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान इस और आकर्षित कर सकता है तो क्या तो औचित्य प्रश्न उसको कहा जाएगा और नियम तीन सौ सतहत्तर क्या है इसके अधीन वे मामले उठाए जाते हैं जो औचित्य प्रश्न नहीं होते और जिन्हें प्रश्नकाल अल्पकालीन चर्चा स्थन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया गया तो कहाँ आएगा तो नियम तीन सौ सतहत्तर के तहत उसको उठाया जाएगा और विशेष उल्लंघन यानी स्पेशल मेंशन की बात हो रही है तो जिन प्रश्नों को लोकसभा में नियम तीन के अंतर्गत उठाया जाता है उन्हें ही राज्यसभा में विशेष उल्लेख के रूप में उठाया जाएगा क्लियर है और कौन दो तो स्पेशल विशेष उल्लेख यानी नियम तीन वाली बात हो गई अब संविधान में संसदीय कुछ विशेषाधिकार हैं जब संसद है तो इसके कुछ अधिकार हैं देखिए संविधान के अनुच्छेद एक सौ पाँच का संबंध संसदीय विशेषाधिकारों के विशेषाधिकारों से है यह अनुच्छेद मूलतः दो विशेषाधिकारों की चर्चा करता है एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ लिखा है तो सं... आर्टिकल एक के एक में है दूसरा है कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार एक सौ में है तो आ जाएगी प्री संसद का कहाँ लिखा गया है तो आर्टिकल 105 के एक और 105 के दो में है अब सामूहिक विशेषाधिकार भी है यानी कलेक्टिव प्रिविलेज से है कार्यवाया चलाने का अधिकार बहस और कार्रवाइयों के प्रकाशन का अधिकार और प्रकाशन रोकने का अधिकार किसको है तो सदस्य को है बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार वह संसद के दोनों सदनों का को अधिकार है कि वे अपनी किसी भी बैठक को गुप्त सत्र में रूपांतरित कर सकते हैं तभी सुनते हैं कि जब पास किया पास किया गया था याद कीजिए जिसमें भारी विरोध हो रहा था उसमें संसद का जो लाइव टेलीकास्ट होता है जिसमें टीवी चलता है लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी इनको बंद कर दिया गया था सारे कैमरे बंद कर दिए गए और उसके बाद में उसको पास कर दिया गया था आगे बढ़ते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार तो इसमें, इसमें क्या है भाई इंडिविजुअल प्रिविलेज यानी जो सदस्य हैं इनके भी तो कुछ अधिकार हैं तो सिविल गिरफ्तारियों से मुक्ति संसद के सदस्य को संसद सत्र के दौरान या उसे 40 दिन पहले तथा 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता यह विशेषाधिकार सिर्फ सिविल मामलों से जुड़े गिरफ्तारियों तक ही सीमित है अगर ये संसद सदस्य कहीं मारपीट कर ले उठा पटक कर ले यानी फौजदारी मुकदमा तब तो उनको सजा होगी लेकिन सिविल यानी दीवानी मामलों में उनको छूट मिली हुई है और संसद सत्र के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है कि तो संसद सदस्यों की बात हो गई संसद के भीतर वाह स्वतंत्रता और या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं जैसे याद है शरद यादव क्या बोले थे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दक्षिण भारत की जो महिलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं अगर वो कोई बाहर बोल देता तो क्या होता उसको जेल में लोग रख देता लेकिन जो अंदर बोले थे तो कुछ सुनने वाला नहीं था संसद के बाहर संसद सदस्य की भी साधारण नागरिकों के समान है यानी जब संसद के बाहर जाएंगे तो संसद का सदस्य क्या है तो साधारण आम नागरिकों के जैसे ही हैं तो क्लियर है तो आज हम लोग क्या देखें अभी तो संसद के विभिन्न कार्यवाही उसके समितियों के बारे में देखें उसके जो मोशन है वो संसद किस तरह से कार्य करता है और उसके क्या क्या प्रिविलेज है इसके बारे में देख लिए और इसके बाद में अगली बार भी लेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे संसद समितियों के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे तो क्लियर है तो अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक धन्यवाद और आशा करते हैं कि ये अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद